सऊदी अरब में एक व्यक्ति ने तेज गति से कार चलाते हुए मक्का की बड़ी मस्जिद अल हरम के बाहरी द्वार पर टक्कर मार दी। यह घटना शुक्रवार देर रात की है। आपको यहां बता दें कि एक व्यक्ति ने अपनी कार से पहले तो अवरोधकों को टक्कर मारी, उसके बाद भी वह वाहन को चलाता रहा और फिर बड़ी मस्जिद के दक्षिण में स्थित द्वार नंबर 89 पर उसने टक्कर मारी। बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने कार सवार व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और उनके मुताबिक उसकी स्थिति असामान्य प्रतीत हो रही है। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें सुरक्षा बल क्षतिग्रस्त कार को घटनास्थल से हटाते हुए देखे जा सकते हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण बंद पड़ी मस्जिद हाल ही में खोली गई थी। फैजल नाम के एक व्यक्ति ने इस घटना की वीडियो ट्वीट की है। इस वीडियो में एक कार बहुत तेज गति से आती दिख रही है। कार ने मस्जिद अल हरम के गेट नंबर 89 पर जोर से टक्कर मारी। वीडियो में यह साफ दिख रहा है कि कार के टक्कर मारते ही लोग मस्जिद के गेट की तरफ भागते हुए पहुंचे। वहां उपस्थित लोगों ने कार में सवार व्यक्ति को पकड़ लिया है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं लगी है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।